खबर चित्रगनी विकासखंड के ग्राम पंचायत क्षेत्र बगदरी से है, जहां लक्ष्मी स्वसहायता समूह में रसोईया के पद पर कार्य करवाने के बाद उर्मिला को 4 महीने बाद बाहर कर दिया गया। इसको लेकर उर्मिला के पति लाल बहादुर यादव ने आरोप लगाया कि उक्त समूह में पात्रता के विपरीत उम्र की महिलाएं अभी तक कार्य कर रही हैं। वहीं 4 महीने कार्य करने के बाद उर्मिला को बकायदा मानदेय भी मिल चुका है। ताजुब की बात तो यह है कि 4 महीने के बाद प्रधान अध्यापक द्वारा रसोईया उर्मिला यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके संबंध में उर्मिला ने प्राध्यापक लक्ष्मण प्रसाद बैस के द्वारा नियम विरोध किए गए कार्यों का लिखित आवेदन जनपद पंचायत कार्यालय चितरंगी में देकर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया। अब रसोईया के द्वारा लगाए गए आरोपों से कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि आखिर 4 महीने के लिए ही रसोईया उर्मिला को क्यों रखा, निकालने की वजह क्या है। वहीं आवेदन पत्र की माने तो प्रधान अध्यापक सहित बीआरसी चितरंगी एवं अन्य के ऊपर भी पैसे के लेन देन पर नियुक्ति करने के संबंध में वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, जब उर्मिला के पूर्व में रसोईया थी तो उसको निकालने की वजह क्या थी। ऐसे में लक्ष्मी स्वसहायता समूह में किया गया हेरफेर एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, जो जिम्मेदारों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल मामले में कितनी सच्चाई है या तो जाँच होगी तो ही पता चलेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत क्षेत्र बगदरी के। यहाँ किस लिए आए हुए हैं? श्रीमान जी, हमारे साथ अन्याय किया गया है हेडमास्टर द्वारा। क्या अन्याय किया गया है? समूह के रसोईया का सर आदेश का पालन दिखा करके भोपाल से 9 पत्ता का आर्डर दिए। आदेश दिखाए कि उन लोगों का 18 से नियमित 60 वर्ष तक रहने का अनिवार्य है। हाँ? जो कि आप उस खर्च पर चलाइए, इसके बाद हम तुम्हारा करवा देंगे। तो हम पूछे कि कितना लगेगा सर, तो बताए कि 40,000 बीआरसी सर का लगेगा और 35,000 हमारा लगेगा। 40,000 किसको लगेगा? बीआरसी सर। बीआरसी को? ये किसने बताया? और हेडमास्टर ने बताया। अच्छा, हेडमास्टर का क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद बैस। कहाँ पढ़ाते हैं? एक ग्राम पंचायत क्षेत्र बगदरी में, शासकीयपुर माध्यमिक विद्यालय बगदरी। शासकीयपुर माध्यमिक विद्यालय बगदरी। और क्या बताया उन्होंने? और बताया कि लाहौ खर्चा वर्चा फिर कर देते हैं, उन लोगों को हटाने के लिए समस्या है का निर्देश है, भोपाल से आर्डर आया है। तो हम लहाए जो है अपना छेरी बकरा बेचे, गरीब आदमी है, काम धंधा करते हैं, तो लहाए जुहा करके रखे थे, फिर उसको दे दिए। किसको दिए? लक्ष्मण सिंह जी को। लक्ष्मण सिंह को कितना दिए? वो सब ले लिए, 70-75 हज़ार रुपये। अच्छा, और 20,000 बाकी था सर। हाँ, 20,000 फिर से मांगने लगे तो हम 20,000 नहीं दिए, कहें कि क्या तुम बात करके नहीं दे रहे हो? तो कि श्रीमान जी हमारे पास नहीं, रुकी घूस वहूँ बेचेंगे, काम धंधा कर रहे हैं, होगा तो हम देंगे। तो नहीं माने, कहें तुमको तत्काल हटाता हूँ। आज 11 मार्च को हमको कहा कि 30 नवंबर 2023 से नियुक्ति दिए, आदेश दिए। हाँ? और 11 मार्च को खत्म कर दिया, हमारे कहने के ये लगा दिया, आरोप लगा दिया जी। यही हम समस्या लेकर के आए हैं। तो क्या है, आपने आवेदन दिया? जी सर, आवेदन। किसको आवेदन दिया आपने? आवेदन आवक जावक में जनपद पंचायत, जनपद पंचायत क्षेत्र। पावती मिल गई जी? क्या आश्वासन मिला? अनुशासन यही मिला कि ठीक है, आने दीजिए, फिर जांच कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर हमारा निर्णय किया जाए, या हमको पद से हटाया जा रहा है, जो कि नियमित हमारे सदस्य में नाम नहीं है, तो इसलिए हटाया जा रहा है। तो जैसे समूह में 18 से 60 वर्ष के जितने हैं उनको सबको हटाया जाए बाहर। चलिए ठीक है, आपकी बात मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुँचाई। आप देख सकते हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चितरंगी हरिश्चंद द्विवेदी सर बैठे हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, एक प्राथमिक शाला बगदरी का मामला चल रहा है एमडीएम को लेकर के, जिसमें उर्मिला देवी ने जो है कि आपके कार्यालय में शिकायत भी किया है कि वो 4 महीने रसोईया का काम किया है, फिर इसके बाद उसको वहां से निकाल दिया गया। जी सर, क्या संज्ञान लेंगे क्या जी? अभी मैंने मतलब जैसा कि आपके समक्ष अभी मैंने बात की अपने एडीओ से जी, एडीओ से पूछा कि वास्तव में जो भी गलत हुआ है उसका प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया गया है, और जो विधि जो होती है वो कहती है, अपना जो नियम कहता है कि 18-64 साल के बीच होना चाहिए, इसमें जो भी गड़बड़ी हुई है उस पर मैं कार्रवाई तुरंत कर ही रहा हूँ, और कल तक मैं इसका मतलब समाधानकारक निर्णय मतलब समाधानकारक इसका मतलब उसका जवाब दे देंगे कि मतलब न्याय संगत होना चाहिए, जो भी मतलब इसमें गलत हुआ है उस पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, ये समिति के सदस्य नहीं थे, इसके बाद भी इसको रसोईया रखा गया और फिर निकाल दिया गया? उसी का परीक्षण किया जा रहा है कि किसने रखा, किस परिस्थिति में रखा और क्यों रखा जी, किसने रखा, किस परिस्थिति में रखा, क्यों रखा, उसका परीक्षण किया जा रहा है। अभी ईडी साहब से मैंने चर्चा की जी, और मैं तुरंत ही कल तक मतलब इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है अथवा जो भी मतलब प्रक्रियाधीन कार्रवाई है मैं तुरंत उसको करूंगा। जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। चितरंगी से ओंकार द्विवेदी की रिपोर्ट।